सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है ओमनी फेयर, मतलब मेरे चैनल का नाम। और आज हम लोग बनाने वाले के एन्चांटिंग रूम, जहाँ पे मैं एन्चांट करने वाला हूँ अपना आइटम्स को। पर देखते कैसे चलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करने वाला हूँ आज ही मैं। तो चलो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स इंट्रो लाओ भाई। तो गाइस सच कह रहा हूँ, इस वीडियो में मुझे बहुत मेहनत लगने वाला है क्योंकि रिसोर्स मैंने इकट्ठा नहीं किया। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 3 2 1 स्टार्ट। चलो सबसे पहले मैं कुछ स्टोन्स, मतलब स्टोन ब्रिक लूँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। स्टोन ब्रिक्स, उसके लिए मुझे कोबल स्टोन चाहिए। उसके बाद मुझे फर्नेस पर डाल के स्टोन बनाना पड़ेगा, उसके बाद चार, और फिर उसके बाद स्टोन से मुझे बनाना पड़ेगा स्टोन ब्रिक। सो गाइस, तब तक माइंड करो, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और कमेंट पे लिख देना #blueinkSMP और अपना यूजर नेम भी लिख देना अपने माइनक्राफ्ट का, जिससे मैं आपको ऑपरेटर बना दूँ सर्वर का। और हाँ, ये अभी अवेलेबल तो नहीं है, अगर आप ज्वाइन भी करोगे तो मैं आपको ऑपरेटर मॉडरेटर बना सकता हूँ। ठीक है, सर्वाइवल अभी स्टार्ट नहीं है, ठीक है, ये स्टिल डेवलपमेंट मोड में है। ठीक है, पहले क्या। और एक गाइस देख रहे हो, आप में से सिर्फ 4.7% लोग ही सब्सक्राइब, और 95.3% नहीं है। तो 95.3% जो भी लोग सब्सक्राइब कर दो। चलो भाई, घर आ चुके हैं हम लोग। सो गाइस, अभी तो मुझे एक क्वेश्चन ढूंढना है, क्योंकि भाई और ट्री ढूंढना है, मीन ट्री और ओशन ढूंढने, ताकि मुझे सैंड चाहिए। ओशन में तो सैंड मिल जाएगा, ट्री तो फिलहाल की ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी मुझे बस ओशन चाहिए एक, जिस पे सैंड हो, क्योंकि सैंड से ग्लास बनाना है मुझे। मुझे पता बहुत टाइम लग रहा है, मैं रेंडर फुल कर देता हूँ, रेंडर चक्स वगैरह, वरना फिर अच्छे से दिखाई नहीं देगा क्या है सामने सामने। लोड भी कर दिया, मुझे जितना याद है मैंने लास्ट टाइम ओशन देखा ही था, इधर ही देखा था मैंने। हाँ भाई, इधर एक रुइन रुइन भी है, जो कि मैं जाने वाला तो हूँ नहीं, क्योंकि अभी मुझे ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मली मुझे एक ढूंढना है, एक क्वेश्चन जो कि भाई पहले ही मुझे मिल चुका है, पर मैंने सैंड इकट्ठा नहीं किया है। और डाई के लिए फूल भी तोड़ देता हूँ मैं, थोड़ा सा फूल ले लूँगा। आई डोंट नो कौन सा, किससे डाई बनता था, शायद से ये है। हाँ, लाइट ग्रे डाई, ये मुझे अगले वीडियो में चाहिए। हो सकता है आप लोगों का गैस हो गया होगा अगले वीडियो में क्या बना रहा हूँ, पर इट्स अ सरप्राइज। तो भाई अब नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, हो सकता है कल परसों आ जाए वो, और मिल गया। कहाँ था, इधर ही होगा, सैंड उधर है। एक एक आध ग्लो स्कोट को मार देता, और वहाँ पे वो क्या कहते हैं, अरे मैं भूल गया इसका नाम, भूल गया, शुगर केन, हाँ शुगर केन है, उसको ले लेता हूँ। और स्क्विड होगा तो फिर स्क्विड होगा तो मस्त है यार, ये एक दो बार तो मार ही देता हूँ। ओ भाई देखो कौन है ये स्क्विड, भाई मैंने उसको मारा नहीं है अभी तक एक बार भी, क्योंकि भाई मैं ओशन में जाता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वो क्या बोलते थे, वो ड्राउन ड्राउन के पास कभी कभी ट्राइडेंट होते हैं ना, उससे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ता है, ठीक है, ड्राउन के ट्राइडेंट से आर्मर वगैरह नहीं होता, तो इसलिए थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है मुझे। और यहाँ पर आप सैंड इकट्ठा करने के बाद मिलता हूँ। सो गाइस, सैंड तो बहुत ज़्यादा हो चुका है गैस, और अभी हम लोग चलते हैं घर के, तो वहाँ घर पे वापस। ठीक है, होपफुली मैं घूमना हुआ, क्योंकि भाई मुझे यहाँ से रास्ता मैं भूल चुका पूरा का पूरा, तभी कोशिश करता हूँ। भाई भाई मैं पूरा गुम हो गया, मुझे शायद से वो इस्तेमाल करना पड़ेगा कमांड /home का, जो कि है सब में मुझे हेल्पफुल साबित हो सकता है, 5 सेकेंड बाद होगा, तो भाई वेट करना पड़ेगा। और गाइस टेलीपोर्ट हो चुके हम लोग, और हाँ चैटिंग टेबल बनाते हैं।
भाई वेट, ये लाइब्रेरी में बुक शेल्फ दे रहा है, बहुत यूज़फुल होगा ये मेरे लिए, क्योंकि भाई एनचैंटिंग टेबल में बुक शेल्फ का भी इस्तेमाल होता है। अब व्हाट, ये विलेजर बाहर कैसे आया था भाई? आई हैव नो आइडिया, छोड़ दो भाई। और भाई यहाँ पे विलेजर्स और ट्रेड का तो बुक सेल्फ, क्योंकि भाई इतना काफ़ी नहीं है, आई गेस 12 लगता है या फिर ज़्यादा, मुझे नहीं पता। फायर प्रोटेक्शन भी दे रहा, ले लिया। फायर प्रोटेक्शन मैं यूज़ तो नहीं करूँगा, पर अपने दोस्त को दे देता हूँ। मुझे तो भाई प्रोटेक्शन चाहिए नॉर्मल वाला, जो कि स्वॉर्ड वगैरह पे यूज़ होता है अच्छे से, जो जो कि स्वॉर्ड के अटैक को मतलब कम कर। भाई मैंने, और भाई बाहर मैंने एक लॉबी भी बनाया जहाँ पे स्पॉन पॉइंट होता है सब लोगों का, ठीक है, मस्त है। बहुत टाइम लगा उसको बनाने में भाई, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा लगे थे मुझे। वेल गाइज, मैं वो रूम वुड का बनाने वाला, क्योंकि भाई सब कुछ वुड का ही बना है और मेरे पास ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं है, ठीक है। ये नेदरराइट का सामान, नेदरराइट का सामान भाई बहुत ग्राइंडिंग करके मिला है, नेदर में जाके भाई लक लक से मिला है मुझे भाई रिसोर्सेज बहुत। तो भाई जॉबी कहाँ से आया? मर भाई मर मर। ओ भाई, और लेना पड़ेगा, बहुत कम है ये। मैं सोच रहा, जो मैं रिसोर्सेस पहले इकट्ठा किया था ना वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए, उसके लिए सोच रहा हूँ मैं वो नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो में डाल लूँ सोच रहा हूँ मैं भाई। मुझे नहीं पता, अब देखना पड़ेगा। भाई वेट व्हाट, ये विलेजर मेरे बेड में कैसे सो रहा था? नो आइडिया। एक से नहीं, ट्रेड क्या कर रहा है देखता हूँ। ते भाई ट्रेड, वाह बहुत फालतू। वेल अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना एन्चेंटिंग रूम बनाने का। पहले तो मुझे भाई ग्लास तोड़ना पड़ेगा, नुकसान करना पड़ेगा पहले अपना, और अब ये तोड़ना है मुझे थोड़ा सा, और अब यहाँ पे ग्लास को भाई टाइम लगे थोड़ा सा। अरे भाई साहब, भाई बहुत टाइम लगा इसको करने में भाई, यार बहुत ज़्यादा से भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा। कभी कभी मिस्टेक हो रहा था, कभी कभी विलेजर बीच में आ रहा था भाई, बहुत प्रॉब्लम हुआ। और अभी से स्टार्ट करते हैं, और मुझे थोड़ा सा क्या हो रहा था, ग्राउंड को भी ठीक करना पड़ेगा। पर पहले मैं तो एक काम करता हूँ, वॉल बनाने लग जाता हूँ। ओके, लग रहा है सब कुछ ठीक ही है भाई, कुछ चेंज करने के लिए है। व्हाट भाई, क्या यार भाई, क्या भाई, मतलब मुझे फिर से फिक्स करना पड़ेगा ये सब भाई यार। अच्छा ठीक है, ऑल राइट गाइस, मैंने फिक्स तो कर दिया है, और अब थोड़ा सा फ्लोर वगैरह को भी मिलाना पड़ेगा। उससे पहले मैं वॉल बना लेता हूँ, थोड़ा सा इधर ग्लास का यूज़ होगा अभी। आई नो बहुत टाइम लगेगा फर्नेस पे काम को, तो पहले मैं फर्नेस पे ही लगा देता हूँ ना, फर्नेस पे पहले रख के आ जाता हूँ, ग्लास बाद में काम भी आ सकता है क्या? नहीं, पहले वॉल बना देता हूँ, पहले वॉल बना देता हूँ उसके बाद। और भाई रेडी हो गया वॉल तो, अब मुझे शायद से बनाना चाहिए, ग्लास को कन्वर्ट करना चाहिए ग्लास पेन में, और उससे ग्लास का थोड़ा सा वो भी हो जाएगा क्या, बचत हो जाएगा ग्लास। ऑल राइट गाइज, मैं ग्लास लेके आ चुका हूँ। अब मैं एक सेकंड भाई, मुझे ग्लास पेन बनाना था ना कि भाई, आई एम टू स्टूपिड ब्रो। और भाई ग्लास पेन मिल चुका है, मैंने बना लिया, यहाँ से और ग्लास ले लेता हूँ और बना लेता हूँ, बना बन सकता है। चलो गाइस, ठीक ठाक हो चुका है ग्लास ठीक ठाक अमाउंट में, पर लगता नहीं है हो पाएगा, पर भी देखते हैं। ये सब रख देता हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो में चाहिए उधर भी रख दिया मैंने, नेक्स्ट के नेक्स्ट वीडियो या फिर नेक्स्ट वीडियो में, आई डोंट नो। ग्लास पेन लगा देता हूँ इधर। ओ वेट नो,
नो गाइस, मुझे एक बात पता चला, इस पूरा पीछे वाला ग्लास को क्या मैं तोड़ दूँ क्या? और ये ऐसे क्यों दिख रहे रे, ग्लास को तोड़ना पड़ेगा, कुछ निकल। सो गया गाइस, मैंने सारा का सारा ग्लास पेन लगा लिया उधर, अब बारे बचे इसको मैं रख देता हूँ। अब मेरा ये चेस्ट तो पूरा भर चुका है भाई, और थोड़े से ग्लास से अब ये नॉर्मल ग्लास यूज़ करना पड़ेगा मुझे, जो कि एक प्रॉब्लम होगा बहुत ज़्यादा बड़ा भाई। अभी और ग्लास बन रहा है, तब तक एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे डेक कर देता हूँ थोड़ा सा, फ्लोर भी चेंज करना है, डर्ट का तो नहीं रखूँगा मैं, ग्रास वगैरह का नहीं रखने वाला, ग्रास ब्लॉक वगैरह का उड़ कर रख देता हूँ, डट उड क्या उडन स्लैब का गाइस। चलो फिर मिलता हूँ बाद में। सो गाइस, मैं वापस आ चुका हूँ और अरे क्राफ्टिंग टेबल में जाके मैं बनाता हूँ एक और फर्नेस, क्योंकि भाई अब मुझे स्टोन ब्रिक्स का भी करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तो भाई फर्नेस तो बनाना पड़ेगा अब। अरे भाई, क्राफ्टिंग टेबल की जगह में जा लिया, अब उस वक्त क्राफ्टिंग टेबल की जगह में जा रहा था, अभी क्या हो गया? चल ठीक है, जगह मिल गया भाई। और गाइस, मैंने वुडन स्लैब बना लिया है और मैं लगा रहा हूँ अभी, जैसा कि देख सकता हूँ, मुझे सब पूरा फिल करना है। और गाइस, अब मेरा वुडन स्लैब का तो काम हो गया, अब मुझे बस इसको रख देना है ओ लार्ड वेल चेस्ट में। और भाई विलेजर मेरे, वो मैं देख सकता हूँ, विलेजर मेरे उधर सो रहा है मेरे बेड में। चलो गाइस, अब मैं सो नहीं, अभी नहीं, अरे सो जा, नहीं छोड़ो। तो गाइज, अभी तक 19 ग्लास कलेक्ट हुआ है, जो कि बहुत कम है सच्ची में, और चाहिए आई गेस मुझे, नहीं लगता इतने में होगा ये कंप्लीट, और नहीं होगा भाई, फाइनली कंप्लीट हुआ भाई। बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे, वहाँ पर उसी सैंड जगह में जाना पड़ा भाई, 28 सैंड लेके आना पड़ा मुझे, और भाई एकदम ठीक ठाक तो नहीं था, पर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कम हो गया था, मतलब ज़्यादा हो गया था सैंड, पर खुशी की बात ये कि हो गया। और आई गेस भाई हो गया ये बुक शेल्फ, और नहीं दे रहा, और आई गेस इतना ही चाहिए हमें जितना लग रहा है मुझे, ऐसे लगा लेता हूँ मैं, और ऐसे चार बचे हैं, वो दोनों बैक साइड में, अच्छा ठीक ठाक ही लग रहा है मुझे ये, आई गेस ऐसे ही बनता है, ये ऐसे ही बनता होगा, अब कैसे बनता है फिर। हाँ गाइस, चलो गाइस, चलो काम कर रहा है ये, लेवल 30 एक्सपीरियंस चाहिए, पर कोई बात नहीं गाइज, आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सो हैव अ ग्रेट एंड गुड डे, और ऑसम भी, तो भाई गुड बाय।